में बात करेंगे सीपीएल के आज के एक और होने वाले जैकपॉट मैच की। इस बार का हमारा सीपीएल में 100% विनिंग का रिकॉर्ड है। एक भी मैच ऐसा नहीं किया जिसमें हमको लॉस हुआ हो। सभी मैच में हमने पहली इनिंग में ही अल्ट्रा क्लीनशिप किया था। मैंने आपको पहले ही बोला था सीपीएल हमारी सेकंड मोस्ट प्रॉफिटेबल सीरीज है और इस बार के न्यूज़ सोर्सेज बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड है, तो इसमें किसी भी मैच में लॉस होने का सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ पर देख सकते हो एक और हमारा जैकपॉट मैच होने वाला है शाम को 7:30 बजे से। 10 लाख रुपए का मेगा गिव अवे कॉन्टेस्ट इस वीडियो में रखा गया है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, प्लस कोई भी एक कमेंट करना है। ये 10 लाख रुपये 7 लोगों में डिवाइड किए जाएंगे। नंबर 1 पे आने वाले को 3 लाख, 2 पे आने वाले को 2 लाख और 3 से लेकर के 7 तक जो 5 लोग होंगे उनको 1-1 लाख रुपये का विनिंग प्राइस दिया जाएगा। सबसे पहले मैं पॉइंट्स टेबल की बात कर लेता हूँ। तो गुयाना की टीम बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। 5 मैच अभी तक खेला है, 4 मैच इन्होंने जीता है, हारा एक भी नहीं है, एक इनका नो रिजल्ट रहा है। वहीं अगर मैं दूसरी टीम की बारबाडोस रॉयल्स की बात करूँ, इन्होंने 8 में से 3 मैच जीता है, 4 मैच इन्होंने हारा है और एक इनका नो रिजल्ट रहा है। तो कंपैरेटिवली गुयाना की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये जो मैच हो रहा है उसी वेन्यू पर हो रहा है जहाँ के लास्ट के मैचेज हुए हैं। लास्ट के 2 मैचेज आपको इसी वेन्यू पर देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर दोनों मैच में क्या हुआ है वो पहले देख लेते हैं। एक ये लास्ट वाला मैच है जो कि अर्ली मॉर्निंग हुआ है, उसका स्टैट्स मैंने वहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। 154 बना था, 155 बना करके यहाँ पे टीकेआर ने आसानी से चेस कर लिया। यहाँ पे पेसर्स स्पिनर्स की अगर मैं बात करूँ दोनों को मदद मिलती है, तो पेसर्स ने 3 विकेट यहाँ पर लिया, ठीक है। बाकी यहाँ पर स्पिनर्स को विकेट मिले, 4 विकेट स्पिनर को मिले, 3 विकेट पेसर को मिले। इसके अलावा सेकेंड इनिंग में देख लेते हैं, 2 विकेट स्पिनर को मिले और ये भी स्पिनर है, 3 विकेट स्पिनर को मिले, यानी ज़्यादातर विकेट्स स्पिनर ने ही लिए। उसके पहले वाला जो मैच था वो भी लो स्कोरिंग गेम हुआ था, 149 बनाया था सेंट लुसिया ने, 150 बना करके इन्होंने चेस कर लिया था। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे पेसर स्पिनर पेसर पेसर, तो 4 विकेट पेसर को, 2 विकेट स्पिनर नहीं, 2 विकेट स्पिनर को, बाकी 2-2-4 विकेट पेसर को मिला। अब यहाँ पे सेकंड इनिंग में देख लेते हैं, सेकंड इनिंग में स्पिनर स्पिनर और स्पिनर, 6 विकेट पूरा का पूरा स्पिनर को मिला। इन दोनों मैच को ये देख करके एक बात क्लियर हो गई होगी, स्पिनर्स को यहाँ पे बहुत मदद है, जो मैंने प्रेडिक्शन के वीडियो के पहले भी आपको कल भी बताया था। और प्लस यहाँ पर रन ज़्यादा नहीं बनते हैं। इंटरनेशनल मैच 6 हुए हैं, 3 बैटिंग फर्स्ट 3 बैटिंग सेकंड ने भी विन किया है। 130 एवरेज स्कोर है, बहुत ज़्यादा रन नहीं बनते हैं। 159 हाईएस्ट है, लोएस्ट 105 है, 6 में से 5 बार 150 से कम बना है। डोमेस्टिक मैच 50 हुए हैं, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम को ज़्यादा बेनिफिट है, जैसे कि दोनों मैच इस सीजन के सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीता था। 151 एवरेज है फर्स्ट इनिंग का, 223 हाईएस्ट भी है, 5 बार 190 प्लस बना है। कोई टीम बहुत अच्छी बैटिंग करती है तो 190 प्लस भी बन सकता है, लेकिन ज़्यादातर मैचेज 150 के नीचे स्कोर हुए हैं। इसके पहले इन दोनों मैचेज जो मैंने अभी आपको दिखाए सीपीएल के, उसके पहले कुछ मैचेज हुए हैं। 149 विंडीज ने बनाया, इंडिया चेस नहीं कर पाई। 147 बना, ये 1 रन से टीकेआर की टीम हार गई। 107 बना, डीएलएस मेथड से यहाँ पे रिजल्ट आया। 116 बना, 119 बना के चेस हो गया। तो सभी मैचेस लो स्कोरिंग है। हर जगह आप देखोगे स्पिनर्स को अच्छे खासे विकेट्स मिले, यहाँ भी मिले, यहाँ भी मिले, यहाँ भी और यहाँ भी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्पिनर्स। प्लेयर्स के स्टैट्स की बात की जाए, साई हो 5 मैच में 173 रन 88 हाईएस्ट, ओवेड मकोय 4 मैच में 8 विकेट, इमरान ताहिर 10 मैच में 15 विकेट, रोमारियो सेफर्ट 5 मैच में 10 विकेट 70 रन, जैसन होल्डर को रोमारियो सेफर्ट ने 26 बॉल में 3 बार आउट किया है। फिर इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो आप रोमारियो सेफर्ट और सिंक्लेयर दोनों ने 2-2 बार आउट किया है मेयर्स को, 14 बॉल में 17 बॉल में। बाकी ये रन लिखा हुआ है देख लेना, 3 बार सेफर्ट ने आउट किया है, मैंने ऊपर ही बता दिया होल्डर को। इसके बाद यहाँ पे होल्डर ने सी हेमराज को 2 बार आउट किया है। बाकी यहाँ पे ब्रेथवेट ने 8 बॉल में 2 बार ए खान को आउट किया है और रॉबिन पॉवेल ने 9 बॉल में 2 बार आउट किया है। ये आजम खान है पाकिस्तान वाले, एंड यहाँ पे 14 बॉल में 2 बार आउट किया है रोमारियो सेफर्ट को जैसन होल्डर ने। हेड टू हेड मैच देख लेते हैं, जो लास्ट मैच हुआ था उसमें बनाया था 195 रन बारबाडोस ने। गुयाना की टीम 108 पे ऑल आउट हो गई थी, वन साइड विन किया था। कॉर्नवेल ने 91 रन 2 विकेट, आजम खान ने 52 रन 3 विकेट, आर सिमंड्स ने, और बाकी यहाँ पे मेयर्स वगैरह ने ठीक किया था। यहाँ पे हेटमायर है, बाकी यहाँ पे 2 विकेट सेफर्ड ने।
125 बना गुयाना ने, यहाँ पे चेस कर लिया। तो एक मैच जीता बारबाडोस ने, एक जीता गुयाना ने। बाकी परफॉर्मेंस में देखा जाए, मकोए का नाम है जो इस साल बिल्कुल फ्लॉप जा रहे हैं, होल्डर हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे सेफर्ड है, ओडेन स्मिथ है, कीमो पॉल है। 107 बना, 81 बना पाई टीम। यहाँ देख सकते हो कॉर्नवेल ने अच्छा किया, होल्डर ने अच्छा किया, तो सभी कॉमन नाम सामने आ रहे हैं। सी हेमराज ने 3 विकेट लिए, 2 विकेट सिंक्लेयर ने लिए। 185 बना गुयाना चेस नहीं कर पाई, यहाँ भी होल्डर का नाम आ रहा है, नईम यंग का यहाँ नाम है। मेयर्स ने 36 रन बनाए, 3 विकेट। रोमारियो सेफर्ट का फिर से नाम आया, ओडिन स्मिथ का नाम आया, मोटी का नाम आया। अब आते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं, लगातार 4 मैच जीत करके गुयाना आ रही है। इन्होंने लास्ट हारा है, जीता है, हारा है, जीता है, एक जीत रही है, एक हार रही है, तो इस बार जीत सकती है। बारबाडोस रॉयल्स की अगर मैं बात करूँ तो रकीम कॉर्नवेल इंपॉर्टेंट है, ये परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, प्लस बैटिंग बॉलिंग से पॉइंट देंगे क्योंकि सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर्स हैं। कायल मिर्स देख सकते हो शानदार फॉर्म में आ गए, इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना। अगर पहले बैटिंग आती है तो लॉरी इवांस को ट्राई कर सकते हो। रॉबिन पॉवेल ये भी आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं, 2 इनिंग अच्छी आई है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। इस पिच पे बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पे नीचे टॉप ऑर्डर कोलैप्स होने के बाद ये अच्छा कर सकते हैं। अथानजे ग्रैंड लीग एक मैच में इन्होंने 76 बनाया हुआ है, डिफरेंशियल पिक होंगे। जैसन होल्डर इंपॉर्टेंट है, लगातार विकेट्स ले रहे हैं। नईम यंग ग्रैंड लीग में ट्राई करना, बॉलिंग का कन्फर्म नहीं है इनका। मरवे अच्छे प्लेयर है, लास्ट मैच में इनको बॉलिंग ही नहीं दी गई जबकि ये लगातार 2 से 4 ओवर करा रहे थे। कोयस अहमद इंपॉर्टेंट है, इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करना। ओबेंड मकॉय फ्लॉप जा रहे हैं, बट इस पिच पे स्लो करने वाले जो बॉलर, मिक्स कराने वाले बॉलर को विकेट्स मिलता है, तो इनको मिल सकता है। बाकी यहाँ पे बेंच पे कुछ प्लेयर है, ब्रेथवेट लास्ट मैच नहीं खेले थे, उसके पहले वाले में 1 विकेट लिया था 4 ओवर में। बाकी यहाँ पे रिकॉर्ड आपके सामने है। गुयाना अमेजन वॉरियर्स की तरफ से सैम अयूब अच्छा कर रहे हैं और बॉलिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं। चंद्रपाल हेमराज कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, ग्रैंड लीग में ट्राई करना। साई होप इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट है। आजम खान वही हिट एंड मिस वाले प्लेयर हैं। हेथमायर है, ये अच्छा कर सकते हैं। सेफर्ड इंपॉर्टेंट है। कीमो पॉल बीच में बैटिंग से अच्छा इन्होंने किया, लास्ट में जब बॉलिंग भी इन्होंने कराई तो बैटिंग तो इनको इनकी आएगी आएगी, बिकॉज विकेट्स यहाँ पे गिरेंगे। अगर पहले इनिंग में इनकी बैटिंग आती है, पहली इनिंग रहती है इनकी टीम की, तो आप इनको ले सकते हो, अदरवाइज मत लेना। ड्वेन प्रिटोरियस इंपॉर्टेंट है, बैटिंग बॉलिंग से पॉइंट दे सकते हैं। मोटी इंपॉर्टेंट है इस पिच पे खास करके। ओडेन स्मिथ भी विकेट मिल ही जाता है लगभग हर एक मैच में। इमरान ताहिर इस पिच पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी यहाँ पे बेंच पे कुछ प्लेयर हैं, उनका रिकॉर्ड आपके सामने है। अब बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की, तो यहाँ पे साई होप इंपॉर्टेंट है, आजम खान एक डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हेथमायर, रॉबिन पॉवेल, सैम अयूब तीनों इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे मैंने आपको प्लेइंग 11 के साथ ऑप्शंस बताए हैं। जैसन होल्डर, रोमारियो सेफर्ट, कायल मेयर्स, कॉर्नवेल और प्रिटोरियस, मैंने इनको लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे ओडिन स्मिथ को ट्राई कर सकते हो, ये एक ओवर भी करते हैं तो भी इनको विकेट मिल जाता है कई बार, बट अभी फ़िलहाल इनको 4 ओवर नहीं दिया जा रहा है इसलिए मैं इनको नहीं ले रहा हूँ। कीमो पॉल को आप पहले बैटिंग आती है गुयाना की तो ट्राई कर सकते हो, बैटिंग से पॉइंट दे सकते हैं। तो विकेट यहाँ पे गिरेंगे, इनकी बैटिंग आएगी तो हो सकता है कि अच्छा परफॉर्मेंस कर जाए। जी मोटी, कोयस अहमद 4-4 ओवर कन्फर्म है इसलिए मैंने इनको लिया है। ओबेड मकोय इस पिच पर अच्छा कर सकते हैं एंड इसके अलावा इमरान ताहिर अच्छा कर सकते हैं। और मैंने आपको मरवे के बारे में बताया, लास्ट में जब बॉलिंग नहीं मिली थी इसलिए मैंने इनको नहीं लिया है। तो यहाँ पे इस तरीके की टीम बन के तैयार हुई है। कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक तो कॉर्नवेल है जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं, बट इस पिच पे बैटिंग करना इनके लिए डिफ़िकल्ट हुआ, ठीक है। जैसन होल्डर को कैप्टन बना देना सेफ रहेगा, विकेट भी मिलेगा और रन भी बना सकते हैं। प्लस यहाँ पे मेयर्स अच्छी फॉर्म में, बॉलिंग से ही पॉइंट दे सकते हैं, तो ये दोनों CVC की अच्छी चॉइस है। बाकी बनाने को तो आप सेफर्ट को भी बना सकते हो, प्रिटोरियस को भी बना सकते हो, दोनों ही अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, तो ये सभी ऑप्शंस आपके पास है। बात करते हैं पेड मेंबरशिप की, उसके पहले डेली गिव अवे कॉन्टेस्ट के 2 क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ कि इस मैच में सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन सा ऑलराउंडर देगा। केवल ऑलराउंडर के बारे में आपको बताना है, #SagaFlashback, #BR vs GUY आपको देना है। सेकेंड क्वेश्चन है कि इस मैच में कौन सी टीम मैच को विन करेगी, सेम वही दोनों हैशटैग आपको यूज करना है। पेड मेंबरशिप के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है 9140233474। केवल पेड मेंबरशिप लेने से ही आप विन करोगे ऐसा नहीं है, समय पे पेड मेंबरशिप लेना होता है। बहुत सारे लोग सोचने में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, अच्छी अच्छी सीरीज निकल जाती है, अच्छे मैचेस निकल जाते हैं, फिर उनको समझ में आता है कि उनका तो ऐसे ही लॉस होता जा रहा है,
इससे अच्छा उन्होंने मेंबरशिप ली होती तो इतना लॉस नहीं हुआ होता। अब लोगों को समझ में आ रहा होगा, हमारे पुराने मेंबर्स को, कि हमने क्यों बोला था कि CPL हमारी मोस्ट प्रॉफिटेबल सीरीज है, क्योंकि इस बार उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट करवाया गया। हर एक मैच में हमने क्लीन स्वीप करवाया। अभी जो मॉर्निंग में मैच था जमैका थलावाय और TKR का, उसमें हमने सुपर अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इमाद वसीम को कुछ नहीं बनाया था, कुछ ने वाइस कैप्टन बनाया था, और प्लस मार्टिन गुप्टिल को लोगों ने नहीं लिया था, हमने लिया, उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, सुपर अल्ट्रा क्लीन स्वीप उसमें भी हमने किया। प्लस अली खान के बारे में हमने वीडियो में भी बताया था, अली खान को भी हमने लिया था, उन्होंने 3 विकेट लिया, तो हमने लगभग 70-80 पॉइंट के डिफरेंस से आसानी से हमने विन किया। मेंबर्स ने मिनी ग्रैंड लीग तक उसमें विन की, और आपको विनिंग देखनी हो टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपका होस्ट दोस्त अंकुरी साइनिंग आउट, बाय।